टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के रिलेशन को हमने पिछले सिरिंज वाले एक्सपेरिमेंट से समझा था, जिसमें हम सिरिंज का वॉल्यूम बढ़ाते हैं एंड देन प्रेशर कम हो जाता है, देन उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी रिलेशन को आज हम इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसमें मैंने नॉर्मल वाटर लिया है रूम टेम्परेचर पर, इसको हम सेक करेंगे एंड देन इसको हम क्लोज कर देंगे, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। एंड देन इस बोतल में हम हॉट वाटर लेंगे, इसको हम सेक करेंगे एंड देन इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो कि जैसा कि आप देखेंगे बोतल काफी साइड से पिचक गई है, इधर से भी अगर आप देखेंगे तो ये काफी पिचक गई है, इधर से भी देखेंगे तो काफी पिचक गई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो धीमे धीमे क्या हो रही है, बोतल ठंडी हो रही है। तो बोतल ठंडी हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने पर जो इनसाइड का प्रेशर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे इनसाइड का प्रेशर कम हुआ तो आउटसाइड का प्रेशर तो सेम ही है, तो आउटसाइड का प्रेशर सेम है तो आउटसाइड का प्रेशर इस पर फोर्स लगा रहा है। तो ये बोतल क्या होती जा रही है, धीमे 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 जैसे 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 बोतल ठंडी होती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा और ये पिचकती जाएगी। तो अगर आप काफी देर तक इसको रख देंगे तो आपको काफी इसमें जो है काफी अंदर तक ये चली जाएगी। थैंक यू।